पीछे ना Netflix release and we watch Netflix so much at home. I thought screening mein aake dekhte. Of course, Ryan Reynolds. It's nice. It looks very exciting. Though it's an action packed, looks like X6 Underground. Yeah, action packed. So I think it's fun to watch. And yeah, why not? So and we will get to see it before it releases. So. How much you like action films? I like action films, लेकिन it depends कि बहुत खून खराबा नहीं है तो ठीक है, लेकिन इस टाइप की जो एक्शन फिल्म होती है वो मुझे पसंद है. या बट व्हाट्स एक्साइटिंग यू द मोस्ट अबाउट दिस? सी, फैन ऑफ रैन रेनल्ड्स एंड दिस इज समथिंग न्यू. हम नेटफ्लिक्स से हमेशा नई कुछ चीज़ें ढूंढते हैं. आज क्या रिलीज हुआ, आज क्या रिलीज हुआ है. आई जस्ट बिंज वॉच ग्रेस एंड फ्रैंकी लास्ट नाइट. सो वो सब खत्म हो गया. तो समथिंग न्यू वी ऑलवेज एंड वी लव टू वॉच न्यू फिल्म, न्यू व्हाट इज कमिंग. हिंदी तो हम देखते हैं तो ये देख रहे हैं. ओके, एज यू सेड यू नो कि नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं हम. ओ माई गॉड, सो मैनी ऑफ देम, बहुत सारी है, एक नाम नहीं बता सकते. जस्ट नाउ मैंने ग्रेस एंड फ्रैंकी ख़त्म किया है तो राइट नाउ वही चल रहा है मेरे दिमाग में. बट देर आर सो मैनी, नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी अच्छी फिल्में आती है, इंग्लिश हिंदी. इसी के साथ में आगे जाके आपका भी कुछ एसोसिएशन हमको देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स? आई वुड लव इट, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, लेट्स होप फॉर इट. या एंड एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? As of now, nothing which I can tell you right now. But आप लोगों को मेरे से पहले ही पता चल जाएगा. Thank you so much. I'm really excited, बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई फिल्म देखने के लिए, बिकॉज इट्स नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 6 अंडरग्राउंड बाय रायन रेनल्ड्स. एंड उनकी फिल्म्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. फॉर एग्जाम्पल डेडपूल, डेडपूल 2 और लाइक ग्रीन लैंटर्न. सो या, आई एम रियली एक्साइटेड. इट्स अ एक्शन फिल्म एंड आई लव डूइंग एक्शन, आई लव सीइंग एक्शन. सो इट्स अ एक्शन एडवेंचर फिल्म एंड लेट्स सी. एंड व्हाट इज एक्साइटिंग यू द मोस्ट? I think Ryan Reynolds and the action in the film is something which really excites me. Okay, Urvashi, one thing ran into the buzz about you is that you are dating Rishabh Pant because you were spotted with him yesterday, right? What do you want to say on this buzz? I'm here to watch your 6 Underground, so I'll only talk about 6 Underground. Thank you. Okay, Urvashi, last question. अभी निर्भया केस पे लोग डिमांड कर रहे थे, ऐसे क्लियर हो गया कि शायद अब दोषियों पे फांसी हो, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई सॉ दैट वीडियो जिसमें एनकाउंटर हुआ. So I'm really very relieved as a person. दिल्ली निर्भया केस की, और फॉर एग्जाम्पल जिस केस की मैं भी बात कर रही हूँ, दोनों ही तरीके से सेम ही तरह के केस हैं जहाँ पे जो हमारे देश की महिलाएं हैं और औरतें हैं. इट्स ऑल अबाउट यू नो रिस्पेक्टिंग वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन बीइंग लव्ड. तो व्हेन आई फॉर एग्जाम्पल जिस केस की मैं भी बात कर रही हूँ, तो उसमें जो इनकाउंटर हुआ है, आई सॉ द वीडियो एंड आई एम रियली रिलीव्ड कि जस्टिस प्रिवेल्ड. भैया
पॉइंट्स पे क्लियर बोले ना पॉइंट चलिए मारा अरे एल्बम मारा क्या कर दिया नीचे नहीं आप जैसे खड़े हैं वैसे खड़े हैं मेरी बात का पता Thank you. I think it's another Netflix night for me, and I think it's hamesha ki tarah, because you know you start binge watching something and you don't know it's like 4 o'clock in the morning. So aaj at least you know main thoda sa early shuru kar rahi hu about this film, and it's nice. Yeah, I mean you know I think every person is binge watching on Netflix, and it's great to be here at this event and watch a film before it's going to be on Netflix actually. आपके अगर बात कर दिया तो आपको कितना मतलब एक्शन फिल्में पसंद है? मुझे बहुत पसंद है. रिसेंटली मैंने वॉर देखी 3-4 बारी, एंड आई थिंक इट वॉज किक एस फिल्म थी. किक एस मतलब आई मीन अपार्ट फ्रॉम ड्रूलिंग ओवर द टू बॉयज दैट वी हैड इन द फिल्म, आई थिंक वॉर वॉज अ किक एस फिल्म एब्सोल्युटली. यू नो एज यू सेड कि नेटफ्लिक्स आप देखती है बिंज वॉच, so which was the last Netflix series which you loved watching? There were a lot of series that I've been watching recently. Rotten is one of them. What the Health, A Heel, matlab I can name you so many things, you know. I think it's just wonderful. Yeah, aur ek bar na, it's not only about ki aapko filmein milti hai ya fir aapko documentaries milte hai, it's also about that it educates you so well, you know, it just keeps you so well informed, like the Rotten one that I saw. मतलब हिला के रख दिया कम्प्लीटली, एंड यू मस्ट डेफिनेटली वॉच इट इफ यू हैवंट वॉच्ड इट. इसी के साथ पर्सनली अगर आपकी फिल्मों की अगर बात करें, किस तरह की फिल्में आने वाली हैं, क्या आने वाला है? वेल 2020 में देयर इज मलंग दैट यू विल गेट टू सी मी इन, एंड या दैट्स अबाउट इट. या सो व्हाट्स द स्टेटस फॉर मलंग इफ यू कैन टेल? आई हैव नो क्लू, दैट यू नीड टू आस्क लव रंजन. थैंक यू प्राइस मैंने किया लेफ्ट लेफ्ट मैंने पार्किंग ऑन है मैं मोहन मोड़ आई थैंक यू.